दिल्ली विधानसभा में दिल्ली का जो विपक्षी दल है भारतीय जनता पार्टी, इन्होंने जैसे ही ये वाला बजट सत्र चालू हुआ इन्होंने ऐलान किया था कि ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आएंगे। दिल्ली विधानसभा में इनके 8 एमएलए हैं, तो एक प्रश्न उठा क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के लिए 20% एमएलए के सिग्नेचर चाहिए होते हैं कागज के ऊपर, तो 20% मतलब 14 के सिग्नेचर चाहिए होते हैं, तो तभी से प्रश्न उठ रहा था कि ये 14 कहाँ से लाएंगे। तो काफ़ी एमएलएज को डराने की धमकाने की कोशिश की गई कि तुम्हारा भी वही हाल कर देंगे जो मनीष सिसोदिया का किया, तुम्हारा भी वही हाल कर देंगे जो सतेंद्र जैन का किया, तुम्हारे ऊपर भी झूठे केस लगा देंगे जैसे उनके ऊपर लगा रखे हैं। उनको लालच देने की कोशिश की गई और उन्हें भरोसा था कि 7-8 दिन के अंदर 14 तो ले ही आएंगे कम से कम नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने लायक। लेकिन एक भी एमएलए नहीं टूटा और आज सारे के सारे एमएलए सदन के अंदर मौजूद थे और उन्होंने वोट किया। ये दर्शाता है कि आम आदमी पार्टी के एमएलए कितने मजबूत हैं, ना डर से टूटते हैं ना लालच से टूटते हैं। तो आज ये नो कॉन्फिडेंस मोशन तो नहीं ला पाए क्योंकि इनके पास 14 एमएलए नहीं थे साइन करने के लिए, लेकिन जवाब में हम लोग कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए और वो कॉन्फिडेंस मोशन की भारी बहुमत से जीत हुई है। केवल सदन के अंदर ही आम आदमी पार्टी की सरकार को बहुमत नहीं है, जनता का भी आम आदमी पार्टी की सरकार पे जबरदस्त विश्वास है। अभी कुछ दिन पहले एमसीडी के चुनाव में जबरदस्त जीत हुई थी और उसके बाद जितने काम हम जनता के कर रहे हैं, बिजली का, पानी का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, सड़कों का, सफाई का, वो सारे काम जनता से जुड़े हुए काम हैं, वो ऐसे काम हैं जो कभी 75 साल में नहीं हुए थे। तो जनता का भी विश्वास है, सदन का भी विश्वास है और मैं दिल्ली की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस प्यार और उसके लिए और धन्यवाद करता हूँ। कर्नाटक चुनाव की घोषणा हो गई, 10 को चुनाव है, आम आदमी पार्टी भी वहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, हम पहली बार कर्नाटक के अंदर चुनाव लड़ रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमें अच्छा हमारा अच्छा रिजल्ट होना चाहिए। हाँ, जलंधर के अंदर भी है, जलंधर के अंदर मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी जीत होनी चाहिए। कर्नाटक में सभी सीटों पर सभी सीटों पर। सर, अभी से आपकी बिजली फ्री देने का वादे उसी पार्टी करने लगी वहाँ पे। ये जितने कहते थे फ्री की रेवड़ी, लेकिन जब जाते हैं तो वादे तो वही करते हैं जो हम करते हैं, लेकिन करते नहीं है। ये वहाँ वादा करके आते हैं लेकिन जहाँ इनकी मौजूदा सरकारें हैं वहाँ क्यों नहीं करते इम्प्लीमेंट। तो मैं देख रहा था अमित शाह जी भी कई जगह जाके कहते हैं कि 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, अगर देनी है तो फिर वहाँ तो दो ना, जहाँ भी जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ नहीं देते। डीके शिवकुमार का एक वीडियो आया है जो कांग्रेस के नेता कर रहा था कि वो पैसे मांग रहे हैं, तो उनसे पूछना मैं क्या बताऊँ। सर, इस बार विधानसभा में पूरे सत्र के दौरान जब भी अपनी बातें कही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत सारी चीज़ें कही, इस वक्त जब दौर ऐसा चल रहा है कि तमाम विपक्ष के नेता कहने से बच रहे हैं, तब आप खुल के कह रहे हैं, क्या कहेंगे कि क्या मैसेज? हम तो सच बोलते हैं और तब बोलते हैं जब बोलने की जरूरत होती है। थैंक यू। थैंक यू सर।